हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि राठौर, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी यूट्यूब पर काफ़ी दिनों से एक अपडेट को लेकर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। कई लोग टेंशन में, जो कि अपडेट होने वाला है 1 जुलाई को, CCPA यानी कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट। इसके जरिए 1 जुलाई को एक अपडेट होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन उन यूज़र्स के पास जा चुका है जिनके पास गूगल एडसेंस अकाउंट है या गूगल एडमोब अकाउंट है। तो क्या होने वाला है अपडेट, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं और सारा कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, CCPA यानी कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट को लेकर जो अपडेट होने वाला है 1 जुलाई को, उसको लेकर काफ़ी लोग टेंशन में हैं कि क्या अपडेट होने वाला है और क्या हमें करना चाहिए। हमारे जो गूगल एडसेंस पर एक्शन का जो बटन है वो अभी तक आया नहीं, और वो नहीं आया तो उसका क्या कारण है। तो मैं क्लियर कर दूँ कि इसका ज़्यादातर जो असर है वो कैलिफोर्निया के यूज़र्स पर पड़ेगा। इंडिया के यूज़र्स पर जब इसका असर पड़ेगा, जैसे कि आपका कोई यूट्यूब चैनल या वेबसाइट, ब्लॉग, जो भी आप चलाते हैं, वहाँ पर यूज़र्स यानी विजिटर जो कैलिफोर्निया के ज़्यादा होंगे, तो ही आपके गूगल एडसेंस अकाउंट पर एक्शन का बटन आएगा। क्योंकि अगर आपके यूट्यूब चैनल और ब्लॉग वेबसाइट पर कैलिफोर्निया के विजिटर ज़्यादा हैं, तो आपको वहाँ पर कुछ ऑप्शंस होंगे, 2 ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। तो उसके ज़रिए आप अपने जो CCPA का जो अभी अपडेट है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और सारी जानकारी वहाँ से भी आपको दे देते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन शो हो रहा है वही देखिए, स्टार्टिंग July 1st यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम गूगल एड एडवर्टाइजिंग पार्टनर टू डिटरमाइन हु कैन मोनिटाइज डिड रिक्वेस्ट एज पार्ट ऑफ ए कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट CCPA सेटिंग। ठीक है, आपके पास भी इस तरीके की नोटिफिकेशन आई होगी। अगर आपके पास कैलिफोर्निया का ट्रैफिक है तो यहाँ डिसमिस के बटन के साइड में आपके पास एक आएगा एक्शन बटन, जहाँ से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं और बताने हैं कि आप किस तरीके से इस अपडेट के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, एक रस्टिकेट का आएगा और एक एक्सेप्ट का आएगा। ठीक है, मेरे पास फिलहाल कैलिफोर्निया से रिलेटेड कोई भी ट्रैफिक नहीं है, तो मेरे पास एक्शन का बटन नहीं आया। हो सकता है मेरे पास अभी आ जाए 1 जुलाई तक, अभी काफ़ी दिन है, मेरे 15-16 दिन है, तो हो सकता आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है अगर मेरे पास कैलिफोर्निया का ट्रैफिक होगा तो। तो आपको बस इतना सा ही करना है, और अगर आप इंडिया में के यूज़र हैं तो इतना टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो इसका असर पड़ेगा वो केवल कैलिफोर्निया पर पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके का अपडेट है, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात इसमें है ही नहीं, सिर्फ आपको ये बताना है कि आपके जो चैनल या वेबसाइट पर उस पर विजिटर है वो कैलिफोर्निया के हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स देखा आपने, मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट पर एक्शन का बटन नहीं है, क्योंकि मेरे जो यूट्यूब चैनल पर वहाँ पर कैलिफोर्निया के यूजर्स का कोई भी ट्रैफिक नहीं है। आपके चैनल पर भी अगर थोड़ा बहुत आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर अगर विजिटर आपके कैलिफोर्निया के होंगे तो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट पर एक्शन का बटन आएगा, जहाँ से आपको 2 में से 1 ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।